Namaskar Baadako. Today we are going to learn our third lesson and it is about deep water. Its writer is William Douglas, who said his own experience of fear of water, and he also told us about how he overcame his fear. तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं. इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 or 11 ईयर्स ओल्ड. यानी यहाँ पे जो घटना बताई है उन्होंने, जो सैर की है, वो कब हुई थी उनके साथ. व्हेन ही वॉज 11 and 10 ईयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. उन्होंने तैरने का सीखने का निश्चय किया हुआ था. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Treacherous का अर्थ क्या होता है? Treacherous means very unpredictable. And mother continually warned against it and kept fresh in my mind. इसका अर्थ क्या होता है? Keep one mind fresh means to remind it again and again. उसको वापस याद दिलाती रहती थी the details of each drawing in the river. हर कोई जो अंदर डूबता था उसके बारे में याद करवाती रहती थी. But the YMCA pool was safe. पर जो YMCA का पूल था वो क्या था? Safe था. It was only 2 or 3 feet deep. वो कितना डीप था? 2 या 3 feet का, at the shallow end, उसके अंत के भाग में. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और उसके दूसरे भाग पे जो था वो क्या था? 9 feet जितना डीप था. और जो द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो डीप की साइज होती थी वो कैसे बढ़ती थी? ग्रेजुअली बढ़ती थी. यानी आप थोड़े थोड़े आगे जाओ तो थोड़ा डीप होता जाता था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. उनको क्या मिला था? उन्होंने क्या लिया था सीखने के लिए? पैर ऑफ विंग्स लिए थे, बराबर, और तैरने के सीखने के लिए पूल में चले गए. आई हेटेड टू वॉक. उनको आगे बढ़ते हैं. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट. उनको बिना कपड़े अंदर जाने का नफरत होती थी. एंड सो माई स्किनी लेग्स. और किस बाबत में अच्छा नहीं लगता था? स्किनी लेग्स दिखाना. स्किनी का अर्थ क्या होता है? स्किनी का अर्थ होता है दुबला पतला सा. वो कद काठी से कैसे थे? एकदम दुबले पतले थे. तो वो उनको अच्छा लगता नहीं था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. मगर उन्होंने क्या किया? अपने प्राइड को सबड्यूड किया. सबड्यूड का अर्थ क्या होता है? प्रेस करना, यानी साइड पे कर देना. एंड डिड इट, और वो अंदर चले गए. फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही, जो कि आई हैड एन एवर्सन टू द वॉटर व्हेन आई वॉज इन इट. उन्हें पहले से ही क्या थी? एवर्सन थी. एवर्सन का अर्थ क्या होना? टू हेट समवन और समथिंग, किसी को नफरत करना. उनको पानी से नफरत थी. व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी वो पानी के अंदर जाते थे तब. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच. ये तब की बात है जब वो 3 या 4 साल के थे, तब उनके पिता उनको एक बीच पे ले गए इन कैलिफोर्निया. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. वो सर्फ में क्या कर रहे थे? साथ में खड़े हुए थे. आई हंग ऑन टू हिम. वो उनको पकड़े हुए थे. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. फिर भी क्या हुआ था? जो वेव्स थे वो काफ़ी तेज थे और उनको नॉक डाउन कर दिया, उनके ऊपर से चले गए. I was buried in water. वो पानी के अंदर चले गए. My breath was gone. उनकी सांस चली गई थी. I was frightened. और उस टाइम पे वो क्या हो गए थे? डर गए थे. Father laughed. मगर उसके पिता हंस रहे थे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. मगर उस टाइम पे क्या हो गया था? उनके ऊपर डर हावी हो गया था, और उनके हृदय पे भी वो ओवर पावर कर गया था, जिसकी वजह से उनके दिल में डर बैठ गया. इसी वजह से जब वो YMCA में जब
स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो ये डर जो था वो वापस रीइंस्टॉल हो गया। जिसे हम कहते हैं वाणी, उन्होंने अपने डर को क्या किया, पुनः याद कर लिया जब वो 3-4 साल के थे। माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड फियर। जो उनका बालपन का जो वो इंसिडेंट था, जो YMCA का स्विमिंग पूल का रिवाइव्ड वापस ले आया, क्या ले आया, अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो उनकी जो नापसंद यादें हैं उन्हें वापस ले आया। एंड स्टीड, स्टीड का अर्थ क्या होता है, अराउज करना यानी वापस आना। चाइल्ड फियर, जो उसका बचपन का डर था वो, बट इन अ लिटल वाइल, मगर थोड़ी देर बाद आई गैदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। और वो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जमाया इमिटेट करके, दूसरों को देखते हुए वो वापस क्या करने लगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग्स वो तैरने सीखने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। वो दिन में कितनी बार करता था, 2-3 बार करते रहते थे डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डे में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और उन्हें कैसा लगने लगा था, टू फील एट ईज, टू फील एट ईज मीन्स लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। वो अभी पानी के साथ कंफर्टेबल हो रहे थे, द वॉटर, वैन द मिस एडवेंचर हैपन। और तब क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ। तो अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो पानी के साथ कंफर्टेबल हो रहे थे, पहले उनको डर लग रहा था, मगर धीरे धीरे दूसरों को इमिटेट करते हुए अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील ही कर रहे थे, और एक दुर्घटना हो गई उनके साथ। क्या हुआ, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। वो पूल पे चले गए जब कोई भी आया हुआ नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, काफ़ी कैसा था, शांत था। द वॉटर वॉज स्टील, पानी भी काफ़ी शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब। और जो स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल्स दिख रही थी वो भी कितनी थी, एकदम वाइट लग रही थी, क्लीन लग रही थी, जैसे कि बाथ टब की हो। आई वॉज टिमिड, वो डर गए अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर अकेले जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वो साइड पे बैठ गए, दूसरों की राह देखने लगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रुइसर ऑफ अ बॉयज। वहां पे मुझे बैठे हुए कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और वहां पे एक बिग ब्रुइसर, ब्रुइसर का अर्थ क्या होता है, हेल्दी बॉडी वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं ब्रुइसर। प्रोबेबली 18 years old, वो कितने साल का होगा, 18 साल के आसपास। ही हैड अ थिक हेयर ऑफ हिज चेस्ट, ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसीमैन। उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसको क्या बोला गया है, ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसीमैन, यानी वो अच्छे मसल्स बिल्ड करने वाला बच्चा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथ और पैर के जास जो कि इसके मसल्स कैसे लग रहे थे, रिपलिंग मसल्स, यानी मसल्स बने हुए भाग दिख रहे थे। ही येल्ड, उन्होंने बोला हाई स्किनी, उसने बोला क्या, बोला हाई स्किनी। ये स्किनी जो है, मैंने अभी आपको बोला क्या होता है, दुबला पतला, यानी किसको बोल रहा है, ऑथर को। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ट, तुम्हें बतख बनना कैसा लगेगा। तो बतख बनाकर उसको क्या किया उस ब्रुइसर ने, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू अ डिप एंड, और उसने उठा लिया उसको ऐसे ही जैसे कि कोई टॉय को उठाता है, और सीधा टॉस्ट कर दिया डीप एंड में, जहाँ पे गहरा पानी था वहाँ उन्होंने क्या कर दिया, फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और जब वो पानी में गिरे तब भी सिटिंग पोजिशन में थे, स्वेलोड वाटर, उन्होंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा कहाँ पे चले गए, बॉटम में। आई वॉज फ्राइटन्ड, वो काफ़ी डरे हुए थे, बट नॉट येट, मगर पूरी तरह से नहीं, फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, कहाँ से नहीं डरे हुए थे, अपनी विट्स से, वो दिमाग से डरे हुए नहीं थे।
ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, क्या प्लानिंग बनाई, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जब उनके फीट क्या करेंगे, बॉटम को टच करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल एंड गो टू द एज ऑफ द पूल। तो देखते क्या करते हैं उसके बाद। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मगर वो तो काफी क्या लग रहा था, लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 19, वो जो 9 feet की गहराई थी वो कितनी लग रही थी, 19 feet की लग रही थी। जब आप पानी में गिरते हैं तो सडनली सीधा नीचे नहीं चले जाते, धीरे धीरे से जाते, इसकी वजह से उनको क्या लग रहा है कि 90 feet जितना लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मगर जब वो बॉटम पे टच हो उसके पहले उनके लंग्स क्या हो रहे, रेडी टू बर्स्ट यानी बाहर निकल पा, उनको सांस बाहर निकालने के लिए रेडी थे। बट वैन माई फिट हिट बॉटम आई समाउंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मगर जब उनके पैर बॉटम पे टच हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ गेदर की, मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग। पहले उन्होंने सोचा कि वो क्या था, एक बड़ा सा उछाल होगा, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स ऊपर की ओर। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक कॉक, उन्होंने सोचा कि वो कैसे बाहर निकल आएंगे, एक ढक्कन की तरफ बाहर निकल आएंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मगर क्या हो गया, वो स्लोली आ गए। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, उन्होंने अपनी आँख खोली और उनको वहाँ पे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था एक्सेप्ट वाटर, क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, ऐसा ही येलो डर्टी वाटर था जिसके इतना था येलो टिंच। येलो टिंच यानी क्या होता है, येलो कलर का रंग भेद वाला। आई ग्रू पैनिकी, पैनिक के क्या अर्थ, वही पैनिक होता है, वो क्या हो गए, डर गए थे, भयभीत हो गए थे। आई रीच्ड अप, वो ऊपर पहुंचे, एज इफ टू ग्रेब अ रॉप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, उन्होंने सोचा कि वो कोई रस्सी या धागे को पकड़ रहे, मगर उनके हाथ कुछ को भी नहीं पकड़ रहे थे, सिर्फ पानी को पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, उस टाइम पे वो सफोकेट कर रहे थे। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो चीखना चाहते थे मगर साउंड ही आउट नहीं था, क्या करे, जब वो चीखने के लिए बोलते मुंह खुलता पानी अंदर चला जाता था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब उनकी आँख और नाक बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, मगर उनका मुंह बाहर आया नहीं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वो क्या करने लगे, सरफेस पे हाथ पाँव हिलाने लगे। स्वेलोड एंड चॉक्ड, पानी मुंह में चला जाता और चॉक्ड हो जाता था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो अपने पाँव ऊपर लाना चाहते थे, बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मगर वो क्या हो गए थे, डेड, मर गए हो ऐसा लग रहा था, वेट्स जिसको भारी वजन डाल दिया गया हो, पैरालाइज हो गए हो, रिजिड हो गए, रिजिड यानी एक बरड यानी कुछ भी हलन चलन नहीं होता है वैसा। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, जाने ऐसा लग रहा था एक भारी दबाव उनको नीचे खींच रहा हो। आई स्क्रीम्ड, उन्होंने चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मगर किसी ने सुना नहीं, किसने सुना, पानी नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, वापस उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी चालू की बॉटम की ओर जाने की। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, फिर वापस वो क्या गए, पानी ने स्ट्रक किया उन्होंने डाउन की ओर। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, वापस उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड किया, एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टेबल फोर्स, जैसे कि कोई रात में कोई अपने बुरे सपने से फाइट कर रहा हो अपने फोर्स के साथ, वैसे वो भी एक फाइट कर रहे थे पानी के साथ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मगर उन्होंने अपनी पूरी ब्रीथ को लॉस्ट कर लिया था। माई लंग्स हैक्ड, उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, उनके जो सिर में था वो क्या होने लगा था,
थ्रॉब होने लगे थे, यानी दिमाग में जाने के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, वैसा होने लगा। और वो कैसे होने लगे, डीजी होने लगे। डीजी मीन्स उन्हें आंखें भारे होने लगी, आंखें बंद होने लगी। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, इतना भी हो रहा था मगर फिर भी वो अपनी स्ट्रेटेजी भूले नहीं थे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, वो बॉटम से क्या करेंगे, स्प्रिंग करेंगे ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क, और ढक्कन की तरफ बाहर आएंगे टू द सरफेस, सरफेस की ओर। आई वुड लाई फ्लैट, फिर वापस फ्लैट हो जाएगी ऑन द वाटर एंड स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस वाटर विथ माई लेग्स, और वो अपने हाथ से क्या करेंगे, पानी को स्ट्राइक करेंगे और पैर से पानी को लात मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, वो ऐसे पूल के एंड में आ जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। आई वेंट डाउन, वो नीचे गलेंगे डाउन एंडलेसली, जाने के उसका अंत ही ना दिखाई दे रहा हो। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि उनको 90 फीट लगा, तो इस बार तो काफ़ी और टाइट सिचुएशन हो गई, इसीलिए वो एंडलेसली लगा। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, उनको सिर्फ पानी ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा डार्क वाटर था जिसे कोई अंदर से देख ना पाए। And then sheer stark terror seized me. उसके बाद क्या हुआ, जो भय था, जहाँ पे टेरर को बताया, टेरर को कैसा बोला, sheer means complete fear, stark means very horrible terror. उन्होंने क्या कर दिया था, सीज कर लिया था, स्टॉप कर दिया था ऑथर को। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा भय था जिसे ना कोई समझ हो। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल ना हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई समझ ना पाए। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, जिसने किसी ने भी एक्सपीरियंस ना किया हो, वैसा भाई था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चीख रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, वो अंदर पैरालाइज हो चुके थे, स्टिफ, पानी अंदर भर गया था। रिजिड विथ फियर, वो डर से पूरे थीज गए थे। Even the screams in my throat were frozen. उनकी चीखें भी अंदर गले में क्या हो गई थी, थीज गई थी। Only my heart and pounding in my head. मगर सिर्फ क्या था, उनका हाथ जो था अंडर वाटर, उनका जो हेड था वो ही सिर्फ से क्या हो रहा था, थोड़ा काम कर रहा था। Said that I was still alive, जो कह रहा था वो क्या है, अभी तक जिंदा है। And then in the midst of terror came a touch of reason. ये सब हो रहा था, उसके बीच में एक रीजन आया। रीजन यानी यहाँ पे कारण नहीं, तर्क, माइंड में एक थॉट आया। I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे याद रखना है कि जब मैं बॉटम पे स्पर्श करूँ तो मुझे बाहर निकलना है। इट एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, लास्ट में मैंने टाइल्स को फील किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरा टो को मैंने ऐसे स्पर्श किया जाने को मैंने उसको पकड़ा हुआ हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था उससे मैंने क्या किया, जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, मगर जो जंप हुआ उसमें पहले जंप जैसा ही जंप था, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी उनके आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, वो ढूंढ रहे थे कि उनके एक रोप मिल जाए, लेडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, मगर कुछ भी मिलता नहीं है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वो जो मास था वाटर का उन्होंने जकड़ लिया था उनको। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो स्टार्क टेरर था उसने और ज़्यादा जकड़ लिया उनको। एंड लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जानो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट चार्ज हुआ हो, करंट लगाओ जोर से, वैसा उन्होंने पूरा जकड़ लिया। आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, वो सुख काँप रहे थे, ध्रुज रहे थे विथ फ्राइट, डर से। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ भी हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, उनके पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, वो मदद के लिए पुकारना चाहते थे,
टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को पुकारना चाहते थे, नथिंग हैपन, मगर कुछ भी होता नहीं है। एंड देन स्ट्रेंजली, फिर अजीब से, देयर वॉज अ लाइट, एक प्रकाश होता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, वो ऑफुल येलो वाटर में से बाहर निकलते, एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम उनकी आंखें बाहर निकले, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, फिर उनके नाक भी बाहर निकला। देन आई स्टार्टेड टू डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वापस वो क्या हो गए, ऊपर आने के बाद तीसरी बार नीचे जा रहे थे। आई सक्ड फॉर एयर, उन्होंने एयर लेने की कोशिश की, एंड गॉट वाटर, मगर उनको क्या मिला, पानी मिल गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट थी वो धीरे धीरे जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीड्स, पूरे जो उनका प्रयत्न था वो रुक गया। ओवर माई सॉरी आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे लेग्स भी क्या हो गए, एकदम लिम्प हो चुके। लिम्प यानी क्या होता था, लिम्प का कमज़ोर हो जाना, यानी काम नहीं करना। वाइप्ड आउट टेरर, और उनको भी क्या लगने लगा, एंड ब्लैकनेस वेप्ट ओवर माई ब्रेन, पूरे दिमाग में ब्लैकनेस आ गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, जो ब्लैकनेस आ गई थी उसने मेरे अंदर के डर को निकाल दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर को भी निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, वहाँ पे कोई भी डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वहाँ पे क्या था, एकदम शांत और मन की शांति जैसा सुख लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने जैसा नहीं था। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा है। टू बी ड्रॉसी, सोने के लिए। टू गो टू स्लीप, सो जाने के लिए। नो नीड टू जंप, अभी जंप नहीं मारना है। टू टायर्ड, बहुत थक गया हूँ। टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अभी आराम से रहना चाहता हूँ। टू फ्लॉट अलोंग द स्पेस, स्पेस में टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे क्या करें हम नजाकत से, जैसे सोए हुए वैसे आराम पड़े रहे आराम से, ऐसा उनको लग रहा था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि उसके आसपास मम्मी के हाथ हो, उनको सहला रहे हो, वैसे लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अभी मुझे सो जाना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहे कि उन्होंने सारे प्रयत्न खत्म हो गए, वो फेंट होने लगे थे, फेंट हो गए थे, और उसी वजह से उनको कुछ भी समझ में आ रहा नहीं था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवन, मैं पूरी तरह से भूलने लगा था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और क्या हो गया, जीवन रूपी पर्दा गिर गया।